अमरिंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। फिल्म आई है आपकी आ रही है बात, जिसने ह्यूमंगस बज़ क्रिएट किया है सोशल मीडिया पर, बहुत पसंद आई है। इस फिल्म को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि रियलिस्टिक फिल्म्स एक्चुअली इतनी बड़ी कमर्शियल सक्सेसेस नहीं होती हैं। लेकिन जो रिस्पांस हमको ट्रेलर पे ही मिला है, बहुत ही ओवरवेलमिंग रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। और जो हम करना चाहते थे, जिस तरीके की हम रियलिटी दिखाना चाहते थे कि क्या होता है वाकई में, व्हाट विक्टिम्स गो थ्रू इन देयर लाइफ, किस तरीके से उनकी जिंदगियाँ टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जस्टिस भी नहीं मिलता। आई थिंक दैट मैसेज इज़ गोइंग अक्रॉस टू पीपल एंड पीपल आर सपोर्टिंग अस विद दिस कॉज। आई जस्ट प्रे कि ज़्यादा कटपिट ना हो एंड एक्चुअल हार्श रियलिटी हमको दिखाने को मिले, क्योंकि आई थिंक समय आ गया है वो मीठी गोली अब नहीं खिलाने का, क्योंकि लोग इनडिफरेंट रहते हैं, हमारी सोसाइटी इनडिफरेंट रहती है ऐसे हादसों से। एंड इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टेटिस्टिक्स बढ़ते ही जा रहे हैं एज फार एज क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर कंसर्न। जैसे आपने कहा, स्टेटिस्टिक्स बढ़ती जा रही हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ती ही जा रही हैं, इससे पहले कई सारी फिल्में आ चुकी, हार्ट हिटिंग फिल्में तो सोशल अवेयरनेस एजुकेट करती है लोगों, फिर भी ये जो स्टैटिस्टिक्स है कम नहीं हो पा रही, क्या वजह आपको लगती है? यू नो, आई थिंक इट इज़ टाइम कि हमारा लॉ भी थोड़ा और सख्त हो जाए, स्ट्रिक्टर हो जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक फिल्म आके पूरे सोसाइटी को बदल सकती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जो ट्रेलर रिस्पॉन्सेज हमको मिले, ऐसा पहले मैंने तो कभी नहीं देखा होते हुए कि डिबेट्स चालू हो गई और डिस्कशंस चालू हो गए और लोग रिएक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से वो अपने रिएक्शंस दिखा रहे हैं ऑन सोशल मीडिया। तो समवे वन अवेयरनेस इज़ हिटिंग इन टू पीपल, बिकॉज ये अब कुछ टू मच हो गया है, कुछ ज़्यादा ही हो गया है, हद से बाहर हो गया है। और लोग भी परेशान हो गए हैं ये रोज़ अखबार में, और अब तो ऐसा हो गया, इतनी बेरहमी और इतनी हैवानियत हो गई है कि 3 महीने की बच्चियां, 6 महीने की बच्चियां, 3 साल की लड़कियां, 5 साल की लड़कियां, 10 साल की लड़कियां, अब तो ऐसे लगता है कि इट्स जस्ट बिकम कम्प्लीटली यू नो लॉलेस, जैसे कहते हैं कुछ लॉ ही नहीं है ना, क्रिमिनल्स को लॉ का डर रह गया है। तो आई थिंक ये फ्रस्ट्रेशन जो कॉमन मैन की है, ये बाहर निकल रही है। एंड अब जो हमने इस फिल्म में दिखाया है, यही पूरा माहौल दिखाया है जो हमारे देश में है इस समय, कि जो पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं और जो कुछ ऐसे रिलीजियस लीडर्स हैं, जो वो भी विक्टिम को ही शेम कर रहे हैं। ये नहीं कि उल्टा बोलें कि हम यू नो वी आर सॉरी दैट आर सिस्टर्स एंड आर डॉटर्स हैव टू गो थ्रू दिस एंड दिस विल नेवर हैपन अगेन, बल्कि दे शेमिंग द विक्टिम बाय सेइंग वो जीन्स क्यों पहनी थी, वो स्कर्ट क्यों पहनी थी, वो उस समय 9:30 बजे रात को अकेली क्यों गई थी, ये प्रश्न पूछते हैं। तो क्या भरोसा उठ रहा है? प्रश्न ये उठता है कि क्या भरोसा उठ रहा है हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, आम जनता का। हम इस फिल्म में जो दिखा रहे हैं, हम कंडोन नहीं करते, हम नहीं कहते कि ऐसे होना चाहिए, ये तो सिर्फ एक कहानी है, ये फिक्शन है, लेकिन ये कल किसी की असलियत हो सकती है। कभी कानून को अपने हाथ में लेने की नौबत न आए किसी को। उनके अंदर भी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होनी, उन्हें भी एक आत्मशक्ति होनी चाहिए, लेकिन ये काफ़ी कम देखा जाता है हमारी सोसाइटी में, तो ये कैसे इम्प्रूव हो सकता है? आई थिंक एक अपने आप में जो अपनी अंदरूनी शक्ति है उसको पहचानने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैं सोचती हूँ जो औरतें भी हैं वो भी कहीं चाहे जो अपने बेटों की परवरिश कर रही हैं या उनके घर में लड़के हैं, उनको ये सिखाना चाहिए कि तुम्हें इज्जत करनी आनी चाहिए, तुम्हें यू नो जो बगल वाली महिला है वो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ हो सकती है आगे, उसका आदर करना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो। तो ये बचपन से अपने लड़कों को और अपने बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, एक ऐसा माहौल अपने घरों में क्रिएट करना ज़रूरी है जहाँ औरतों की इज्जत होती है। वो देखा देखी बच्चे खुद अपने आप में कंपैशन उनमें जागृत होती है और वो प्रोटेक्ट रक्षा करना सीखते हैं। तो ये हम में भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें। आपका एक सॉन्ग है चीज़ बड़ी है मस्त, अब ये वक्त आ गया है इस गाने को बदलने, वी हैव टू से चीज़ बड़ी है सब। मुझे किसी ने बोला था, ट्विटर पे भी भेजा था जोक, कि हमने आपको तू चीज़ बड़ी मस्त भी देखा, अब हम आपको देख रहे हैं मात्र में आज तू चीज़ बड़ी है सख्त सख्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय आशीष।